चलिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं महर्ष तिवारी आपका बड़ा भाई आपके सामने आ चुका हूँ बहुत ही प्यारे आज के सेशन को लेके और मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस बहुत ही शानदार प्यारे से परिवार में जिसका नाम है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर तो साथियों आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में देखिए साथियों यकीन मानेगा कि आज आपका बड़ा भाई आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बायोलॉजी के पचास क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको मैं बता दू साथियों की मैं अलग अलग क्लासेस के अंदर इन सभी क्वेश्चन को करा चुका हूँ तो आज हम देखिए बेटा पढ़ने वाले हैं इन सभी क्वेश्चंस को और मैं आपको क्लियर कर दूं साथियों कि आज हम इन क्वेश्चंस के ऊपर देखिए टेस्ट भी लेने वाले हैं तो ये हमारा छोटा सा मॉक टेस्ट होने वाला है और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे सबके सब कमेंट सेक्शन के अंदर क्या मेरे सभी छोटे भाई बहन तैयार हैं जल्दी बताइए मुझे कॉमेंट के अंदर बराबर तरीके से शुरू करते हैं और शुरू करने से देखिए बेटा पहले बताना चाहता हूँ कि बेटा आज हमारा होली ऑफर का अंतिम दिन है तो जो साथियों हमें होली ऑफर के तहत में हमारे फाउंडेशन बैचेस में जुड़ना चाहते हैं आज इकतीस मार्च है साथियों इकतीस मार्च को हमारी होली ऑफर का अंतिम दिन चल रहा है तो आप यदि करना चाहते हैं सबसे बेहतरीन तैयारी तो आप हमारे फाउंडेशन बैच में बेटा जुड़ सकते हैं इस फाउंडेशन बैच में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिलने वाली है बेटा मैं ये बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी हमारी लगभग लगभग कंप्लीट हो चुकी है ठीक है तो बायोलॉजी बेटा लगभग लगभग हमारी कंप्लीट लग 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 हो चुकी है नाइटी की हमारी बायोलॉजी पूरी हो चुकी है फिजिक्स केमिस्ट्री रनिंग में चल रहा है जिसमें फिजिक्स भी बेटा लगभग लग सिक्सटी के आसपास हो चुका है ठीक है केमिस्ट्री हमने भी शुरू की है लगभग लगभग बीस तीस परसेंट मैं ये भी करा चुका हूं तो आपको बता दूं कि आपके एग्जाम से पहले सब चीजें बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगी बहुत बढ़िया सेशन दिखे होने वाला है और यदि आप जुड़ना चाहते हैं इसी तरह के शानदार कंटेंट के लिए तो आज रात 12 बजे से पहले जुड़ सकते हैं आज अंतिम मौका है पहले कह रहा हूं दोबारा ये मौका नहीं मिलने वाला ठीक है चलिए जाती हूँ दूसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि सबके सब, सब साथ ही यहाँ पे जल्दी से, से सेशन को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए बेटा आज की हमारी क्लास होने वाली है तैयार है मेरे सभी छोटे भाई बहन आज की इस बहुत ही शानदार प्यारी सी क्लास में जिसमें आपको क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है और ये क्वालिटी कंटेंट बेटा क्वांटिटी के साथ में भी है मतलब 50 क्वेश्चन में कराऊंगा और बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं मजा आ जाएगा बायोलॉजी के बेहतरीन 50 क्वेश्चन देखिए चलो शुरू करते हैं साथियों पहले क्वेश्चन के साथ में पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया हमारे स्क्रीन पर बताइए देखिए जल्दी से देखिए बालक बताओ जल्दी से देखिए सबके साथ कि हम देखिए जब बात करते थे लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी देखिए मानव शरीर के अंदर बेटा पाए जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है देखिए तो मानव शरीर में बेटा सबसे बड़ी जो पाए जाने वाली हड्डी है वो है फीमर और ये फीमर कहाँ मिलती है देखिये जांग मिलती है सिंपल सी बात है वहीं पर देखिए हम जब मानव शरीर की बेटा सबसे बड़ी यहाँ पे सबसे मजबूत हड्डी की बात करते हैं तो सबसे मजबूत जो हड्डी वो कौन सी है मैंडिबल कौन सी है मैंडिबल है तो मैंडिबल बेटा कमजोर हड्डी है मजबूत हड्डी है मजबूत हड्डी मिलने वाली है लेकिन सबसे बड़ी देखिए बच्चे कौन सी फीमर है फीमर मिलती कहां कहाँ पर है तो फीमर आती मिलती है यहाँ पर कहां पर तो हमारे जांग में पाई जाती है तो इस क्वेश्चन का जो सत्य आंसर देखिए बेटा वो फीमर होने वाला है प्लीज सारी बातें बोलो हाँ है ना अच्छा भैया ह्यूमरस कहाँ पे पाई जाती है तो बेटा ह्यूमरस मिलती हमारे हाथ में देखिए तो हमारे हाथ में देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे पाई जाती है कौन सी ह्यूमरस मिलती है इस बात को समझो अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर दू ये जो मैंडिबल है ना साथियों इस मैंडिबल को देखिए हम निचले जबड़े की हड्डी बोलते हैं निचला जबड़ा मतलब नीचे वाला जो जबड़ा है उसकी हड्डी हम यहाँ पे बोलते हैं ठीक है ठीके? चलो अच्छा क्वेश्चन था बताओ जल्दी से कि हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा कार्टिलेजस कहाँ पर पाई जाती है अब मुद्दा क्या होता है कि कार्टिलेजस की बात करते हैं बेटा एक होती है हमारे शरीर में हड्डियां और एक होती है बेटा उपास्थियां यहाँ देखिये तो एक होती है बेटा हमारे शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां और एक होती है हमारे शरीर में पाए जाने वाली देखिए कार्टिलेजस कार्टिलेजस को ना साथियों हमने हिंदी में जो नाम दिया है वो उपास्थि बोलते हैं उप अस्थि उप अस्थि की बात यहाँ पे कही जा रही है ध्यान से है ना क्लियर सारी बात है देखो अब आपको सबसे मेन चीज क्या है इसको जरा समझेगा मेन कंसेप्ट हमारा क्या बनने वाला देखिए बेटा हमारी जो बोन्स बनती हैं बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं सिंपल सी बात समझो ध्यान से कि हमारी जो बोन्स बनती हैं तो इसके अंदर देखिए बेटा यहाँ पे पाए जाने वाली कोशिका होती है जिसको हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं ऑस्टियोसाइट वहीं पर देखिए यहाँ पे उपास्थियों के अंदर यहाँ पे साथियों पाए जाने वाली जो कोशिका होती है इनको देखिए कॉन्ड्रोसाइड बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइड्स बोलते हैं क्लियर सारी बातें बोलो हाँ ना अब आपको मैं छोटा सा पॉइंट और बताना चाहता हूं देखिए हमारी जो उपास्थियां हैं साथियों ये हड्डी जितनी मजबूत नहीं है और मांसपेशी जितनी मुलायम नहीं है अब ये क्या करेंगे ये बताइए देखिए जल्दी से अब ये मिलती वहाँ पर है जहां पर हड्डी जितनी कठोर नहीं होती है मांसपेशी जितनी मुलायम नहीं होती देखिए हमारी देखिए जो जीभ होती है बेटा जीभ में सिर्फ सिर्फ मांसपेशी मिलती है हमारी जो नोज होती है देखिए नोज और हमारे जो कान होते हैं देखिए ये जो कान होते हैं तो हमारे नोज और कान के अंदर देखेंगे तो मजबूती मिलेगी मिलती हुई है, है सही बात है और इसके अंदर देखिए हड्डी भी नहीं पाई जाती नाक के अंदर हड्डी होती है नो डाउट लेकिन नाक के हम जब बात करेंगे साथियों तो नाक के अंदर यहाँ पे देखिए आगे वाला जो हिस्सा है वो किससे बनता है उपास्थियों से बनता है तो इस क्वेश्चन का जो सत्य आंसर हमारा नाक हो जाएगा इसके अलावा देखिए हम जब बात करते हैं मानव के कान के बारे में तो मानव के जो कान है वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे तो ईयर्स भी किसमें शामिल है हमारी उपास्थियों में शामिल है क्लियर सारी बातें तो बी इज द राइट आंसर आप यहां पे जरा समझो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए जल्दी से क्वेश्चन देखिए साथियों पूछा गया है सर फ्रक्टोज के बारे में फ्रक्टोज क्या होती है इसको देखिए अब आपको मैं छोटा सा पॉइंट देखिए बताना चाहता हूं बेटा हमने यहाँ पे भोजन किया होगा और हमारे भोजन के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट को पक्का खाया होगा बोलो हाँ बिल्कुल खाया भैया अब इस कार्बोहाइड्रेट को ना हमने बहुत सारे भागों में तोड़ दिया देखिए तो सबसे पहले बेटा हम तोड़ते हैं मोनोसैक्राइड में सर मोनोसेक्राइड्स के होते हैं तो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को साथियों कहा जाता है मोनोसेक्राइड्स और ये जो मोनोसेक्राइट होते हैं ये तीन तरह के बेसिकली मिलते हैं सर कौन कौन से मिलते हैं पहला है ग्लूकोज दूसरा है फ्रक्टोज और तीसरा है गैलेक्टोज और मजेदार वाली बात क्या है कि तीनों का जो फॉर्मूला वो सेम है सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स क्लियर सारी बातें तो इन तीनों का जो फॉर्मूला रहता है वो सेम रहता है इसमें गलती मत कीजिएगा तीनों का जो फॉर्मुला है वो सेम रहने वाला है इस बात को जरा समझो ठीक है तो यहाँ पे मतलब सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज और हमारा कौन सा है गैलेक्टोज है ये मैं बता चुका हूं अब अब देखिए बालक इधर तो के सब पे हम जब बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा तो इसका फॉर्मुला बेटा बनने वाला है सी सिक्स तो उसका आंसर हमारा देखिए बी हो जाएगा क्लियर है अब देखिए होता क्या है साथियों ये हमारे जो मोनोसाकर होते हैं ये आपस में मिलके यहाँ पे बहुत सारी चीजों का निर्माण करते हैं तो जब दो मोनोसेक्राइड आपस में मिल जाते हैं तो उसको देखिए बेटा बोलते हैं डाई अब जैसे कैसे कैसे क्या बनता है भैया ये बताइए देखिए जल्दी से सुनो जैसे अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज को जोड़ा जाए तो माल्टोज बनेगा ग्लूकोज को फ्रक्टोज से जोड़ोगे तो सुक्रोज बनेगा गैलेक्टोज को ग्लूकोज से जोड़ोगे तो लेटोज बनेगा यह सबके सब, सब यहाँ पे क्या है तो ये सारे के सारे बेटा हमारे डाई सेक्राइड होते हैं क्लियर सारी बात है आपको मैं बताना चाहता हूँ बेटा जो टेबल शुगर होती है जो टेबल शुगर होती है हमारी खाने वाली जो चीनी होती है तो खाने वाली चीनी में देखिए बेटा ग्लूकोज का इस्तेमाल और फ्रक्टोज का इस्तेमाल करते हैं जो हम यहाँ पे सुक्रोज को यूज करते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं बेटा फ्रक्टोज के बारे में तो फ्रक्टोज का यहाँ पे फॉर्मूला फ्रक्टोज का फॉर्मूला जो होता है देखिए ना से वो यहाँ पे गैलेक्टोज के फॉर्मले के बराबर होता है तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला यहाँ पे गैलेक्टोज का फॉर्मला ग्लूकोज का फॉर्मला सेम ही होने वाला है ये सारे के सारे क्या है

हम जब बात करते हैं तो केंद्रक के अलावा वो, वो कौन सा कोशिकांग है जिसमें केंद्रक के अलावा देखिए कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए होता है बहुत प्यारा क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिए साथियों हम जब बात करेंगे तो इसमें सत्य आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है देखिए बेटा कौन सा माइट्रोकॉन्ड्रिया सही बात है तो गोल्गी बॉडीज नहीं है इज द राइट आंसर देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया के अलावा यहां पर एक चीज और मिलती है जिसे बोलते हैं प्लास्टिड्स और प्लास्टिड्स के अंदर भी कौन सा तो प्लास्टिड्स के अंदर भी देखिए मिलता है क्रोमोप्लास्ट क्या मिलता है क्रोमोप्लास्ट मिलता है जिसे हम हरा वर्धक बोलते हैं इसको जरा समझो अब आप देखिए ध्यान से ये हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया देखो ये हमारी कोशिका नजर आएगी इस कोशिका के अंदर हमारी ऊर्जा ग्रह नजर आएंगे जिसे ऊर्जा ग्रह बोलते हैं जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है और इसके अंदर भी देखिए माइट्रोकाउ्रिया के अंदर भी जो, जो डीएनए वो पाए जाते हैं तो माइट्रोकॉन्ड्रिया हमारे एक ऐसा कोशिकांग होता है साथियों जिसका खुद का डीएनए है और खुद के रेबोजोम्स भी इसमें पाए जाते हैं क्लियर है गलती मत करना तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि खुद के डीएनए खुद के किसके अंदर पाए जाते हैं सारी बात है देखो अच्छा ये चीज और क्लियर करना चाहूंगा सुनो देखिए बालक आज की जो मैं क्वेश्चंस लेके आया ना इतने बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ में मुझे आप सभी के बेटा कमेंट चाहिए ठीक है अगर आपका बढ़िया रिविजन हो जाए इस क्लास के अंदर तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा यार इतनी मेहनत कर रहा करो आप लोगों के लिए ठीक है चलो नेक्स्ट देखिए बताइए कि गुणसूत्र का जो अध्ययन है वो किस स्टेज में सबसे बढ़िया किया जा सकता है देखिए होता क्या साथियों कि कोशिका विभाजन के ना हमने पांच अवस्थाएं मानी है कौन कौन सी अवस्थाएं इनको देखिए तो जब भी यहाँ सेल डिविजन बेसिकली होता है तो सेल डिविजन की पांच मुख्य स्टेट मानते हैं तो पहला इंटरफेज है फिर यहाँ पे प्रोफेज है फिर यहाँ पे मेटाफेज है फिर यहाँ पे एनाफेज है और लास्ट में देखिए साथियों यहाँ पे टेलोफेज होता है अब इसमें से देखिए हम जब बात करेंगे तो आप सबसे पहले फोकस करिए देखिए किस पर बेटा मेटाफेज पर अगर ध्यान देंगे तो आप फील करेंगे साथियों कि मेटाफेज के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा रूप होता है और हम जब बात करते हैं तो मेटाफेज वो अवस्था होती है जब हम बाकी कोशिकांग के जो क्रोमांक होते हैं जो यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स के डिविजन होते हैं उनको स्पष्ट रूप से देख पाएंगे तो इस क्वेश्चन का जो सत्य आंसर बेटा हो जाएगा वो हमारा मेटाफेज हो जाएगा तो मेटाफेज जो है वो एक ऐसी कंडीशन बनती है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे हम देखिए कोशिका विभाजन को देख सकते हैं और सही मायने में कोशिकांगों के अंदर जो डिवीजन है वो हमें सही रूप से दिखाई देता है लेकिन सबसे ज्यादा समय लेने वाला जो भाग है वो कौन सा है तो आप जरा पे समझिएगा क्लियर सारी बातें बोलो हाँ या ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए कि हम जब बात करते हैं तो प्लांट सेल्स किसकी बनी होती है अब जरा यहाँ पे देखिए वाला ये हमारी देखिए एनिमल सेल नजर आएगी और यहां पे प्लांट सेल नजर आएगी अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस किस चीज का है वो देखिए ध्यान से कि एनिमल सेल के बाहर किसी प्रकार से कोई भी सुरक्षा वाली परत नहीं होती है लेकिन वहीं पर हम जब बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में तो प्लांट सेल के अंदर बहुत सारी परतें हैं जो देखने को मिलेंगी और खासकर ये जो सेल मॉल सेल मॉल मिलती है जिसको हम बेटा पादप कोशिका भित्ति बोलते हैं तो ये कोशिका भित्ति बेटा मुख्यतः बनती है किसकी सेलुलोज की और सेलुलोज होता क्या है तो सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है क्या है कार्बोहाइड्रेट है और ये एक तरह का पॉलीसेक्राइड है आपको मैं क्लिक कर दूं कि बहुत से हमारे प्लांट्स होते हैं जिसमें सेलुलोज नहीं मिलता जैसे मैं बताऊं छोटा सा पॉइंट आपने फंगाई का नाम सुनागा कवक का नाम सुनागा देखिए फंगाई के बारे में जो कवक होती है साथियों तो कवक के अंदर यहाँ पे पाया जाती है परत किसकी देखिए काइटिन की तो ये भी जरा समझिएगा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सेलुलोज ही मिले कुछ ऐसे हमारे तत्व होते हैं जिसके अंदर हमारे यहाँ पे पदार्थ होते हैं जिसमें अलग अलग मिलती है एग्जाम्पल फंगाई तो फंगा में किसकी मिलती है काइटिन की मिलती है ठीक है थीके? तो इसका आंसर देखिए हमारा क्या होगा बेटा बता चुका हूँ बताइए जल्दी से इनमें से कौन सा है देखिए जो फीमेल्स में पाया जाता है बेटा फीमेल में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए इसको जरा सुनो बहुत छोटा छोटा पॉइंट बताओ देखिए बेटा हम देखिए जब क्रोमोजोम्स की बात करेंगे तो क्रोमोजोम तो से के तेस जोड़ी, जोड़ी मिलते हैं तो हमने तेईस ले लिए दो भागों में तोड़ दिया तो एक होता है हमारा बाईस और एक होता है हमारा एक्स प्लस वाई अब ये देखिए साथियों हमारे पास में है जिसे बोलते हैं ऑटोसोम क्या बोलते हैं ऑटोसोम और यहां पे देखिए साथियों मिलता है जिसे बोलते हैं ओलोजोम क्या बोलते हैं ओलोजोम तो मैं ये बताना चाहता हूं बेटा की एक्स प्लस वाई हमारे सेक्स होते हैं। अब इसमें से मेल अगर से फीमेल की बात करते हैं कि महिलाओं में क्या मिलेंगे तो बेटा महिलाओं के निर्माण के लिए बच्चे के निर्माण के लिए एक्स एक्स क्रोमोजोम का इस्तेमाल किया जाता है वहीं पर एक्स वाई का इस्तेमाल यहाँ पे बेबी बॉय के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका आंसर जो होगा बालक वो क्या होगा देखिए तो हमारा आने वाला है ए एज राइट आंसर बहुत बढ़िया आप सबके सब चतुर हो चुके हैं बहुत बढ़िया देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए हम जब देखिये ट्यूबरक्रोसिस की बात करते हैं टीबी जो टीबी होती है जिसको हम सिंपल सी भाषा में बेटा छह बीमारी बोलते हैं छह रोग बोलते हैं ये होती है किस कारण से तो ये होती है बेटा एक बीमारी जो होती है किस कारण से देखिए ये होती है बैक्टीरिया से और यहाँ पे पाए जाने वाले बैक्टीरिया को बोलते हैं माइक्रो बैक्टीरियम तो माइक्रो बैक्टीरियम वो बीमारी है वो बैक्टीरिया है जिसके माध्यम से यहाँ पे टीबी नामक जो बीमारी वो हो जाती है तो माइक्रो बैक्टेरियम ट्यूबर क्लॉसिस है ना गलती नहीं करना बिल्कुल भी, भी चलो नेक्स्ट देखिए बताइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से हमें देखिए करेक्टली मैच करना है कि हमें सही से मैच करना है कि कौन सा देखिए सही है क्या टिटनेस के लिए क्या टिटनेस के लिए साथियों बीसीजी का इस्तेमाल करते हैं जल्दी बता सके समझो कमेंट के अंदर क्या टिटनेस के लिए हम देखिए बीसीजी का इस्तेमाल करते हैं बीसीजी का इस्तेमाल करते हैं नहीं बेटा टिटनस के लिए हम यूज करते हैं एंटी टिटनस सीरम का देखिए तो यहाँ पे हम देखिए यूज करते हैं ए टी एस ए टी एस मतलब एंटी टिटनस सीरम का इस्तेमाल करते हैं ट्यूबर क्रोसेस के लिए देखिए साथियों हम जो यूज करते हैं वो है हमारा देखिए कौन सा बी सी जी कौन सा बी सी जी है ये हम देखिए बेटा यूज करते हैं किसका देखिए डॉट्स का मलेरिया के लिए देखिए हम यूज करते हैं किसका क्लोरोक्विनिन का यस

ठीक है बालक क्लीय सारी बातें चलो दसवा क्वेश्चन देखिए बताइए जल्दी से देखिए क्वेश्चन पूछा गया इनमें से वो कौन सा पदार्थ है जो पौधे में जल अवशोषण और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है देखिए बालक हम जब बात करेंगे तो पेड़ पौधों के अंदर देखिए बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिय मिलते हैं सिंपल सी बात है अब ये माइक्रो न्यूट्रेंट क्या करते हैं अवशोषण को बढ़ाते हैं अब इस अपशोषण को बढ़ाने के लिए हम सबसे ज्यादा बेटा इस्तेमाल में किसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे बोरोन का सी का मैग्नीशियम का किसका इस्तेमाल करते हैं तो मैं ये बताना चाहता हूं बेटा छोटा सा पॉइंट कि सूक्ष्म तत्वों की हम जब बात करेंगे तो बोरोन होता है क्या होता है देखिए बोरोन होता है और बोरोन हमारा एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो पेड़ पौधों के अंदर यहाँ पे अवशोषण को बढ़ा देगा जिससे पेड़ पौधे बड़े हो सकते हैं तो पेड़ पौधों में अवशोषण को बढ़ाने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं साथियों जो माइक्रो न्यूट्रिय होता है वो हमारा बोरोन होता है देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं सुनो एक याद कीजिए जो है एनपीके देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम इनको बड़ा सिंपल सी भाषा में प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं मतलब किसी भी पेड़ पौधे के विकास के लिए कम से कम इनका मिलना तो आवश्यक है अगर ये नहीं मिलेंगे तो हमारा पेड़ पौधा देखिये विकसित नहीं होने वाला तो पेड़ पौधों के विकास के लिए कम से कम किसका होना बहुत ज्यादा आवश्यक है साथियों तो इन तीनों का होना तो बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है अगर ये तीन नहीं होते हैं तो हमारा पेड़ पौधा देखिए डेवलप नहीं होने वाला इस बात को जरा समझो ठीक है क्लियर सारी बातें देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए अनियन देखिए बेटा किसका यहाँ पे मॉडिफाइड रूप माना गया प्याज यहां पे किसका रूपांतरित रूप रुप है देखिए अगर आप प्याज को देखोगे तो फील कर पाओगे देखिए साथियों क्या कर पाएंगे कि प्याज देखिए बेटा ये जड़ नजर आने वाली देखो प्याज की जड़ नजर आने वाली पत्तियां नजर आने वाली है तो प्याज वास्तव में क्या है देखिए साथियों तो प्याज देखिए पे रूपांतरित रूप है किसका दिखे? तने का तो तने को ही बदल दिया गया है और तने को ही बदल के देखिए हमने यहाँ पे क्या बना दिया बल बना दिया है तो प्याज देखा जाए साथियों तो यहाँ पे पर्ण आवत से ढका होता है और ये देखा जाए बच्चे तो तने का एक मॉडिफाइड रूप है तो स्टेम इज द राइट आंसर स्टेम इज द राइट आंसर देखिए नेक्स्ट बताइए इनमें से बच्चे कौन सा देखिए न्यूरॉन का पार्ट नहीं माना जाता आपको मैं बताना चाहता हूँ छोटा सा पॉइंट कि न्यूरॉन जो होती है वो हमारे शरीर की पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है द लॉन्गेस्ट कोशिका मानी गई है अब देखिए निसल इसका पार्ट है न्यूरोलेमा इसका पार्ट है एक्सोन इसका पार्ट है लेकिन जो सेक्रोलमा होता है बेटा इसका पार्ट नहीं मिलता है अब मुद्दा बनता भैया सेक्रोलिमा कहाँ मिलता है तो मैं आपको मैं बताना चाहता हूं बेटा ये मिलती है हमारी कंकाल में देखिए तो सेक्रोलिमा देखिए पाई जाती है कहां पर ऐसी मांसपेशियों में जो कंकाल से जुड़ी होती है तो ये कंकाल मांसपेशियों से बेटा यहाँ पे जुड़ी होती है तो कंकाल की जो मांसपेशियां होती है उससे जुड़ी होती है कौन सी तो उसे बेटा जुड़ी होती है जिसे बोलते हैं सेक्रोलेमा क्या बोलते हैं सेक्रोलेमा बोलते हैं क्लियर सारी बातें देखिए देखिए हम जब बात करते हैं देखिए एल्गी किस परिवार में शामिल किया जाता है देखिए एल्गीज की हम जब बात करते हैं बालक तो इनको सिंपल सी भाषा में काई कहते हैं क्या बोलते हैं काई बोलो हाँ अब जो एलगीज होती हैं वो हमारी थैलोफाइटा में शामिल है

तो इसको यहाँ पे कहा जाता है पादप जगत का उभयचर तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पादब जगत का उभयचर किसे बोलते हैं ब्रायोफाइटा को बोलते हैं टेरिडोफाइटा को देखिए साथ कहते हैं बीज पौधा मतलब यहाँ पे बिना बीज के बिना बीज के पाया जाने वाला जो विकसित पेड़ पौधा वो कौन सा है तो विकसित बीज रहित पौधा जो है वो कौन सा टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म को देखिए बड़ा अनावरत बीजी बोलते हैं क्लियर सारी बातें जरा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बताइए देखिए हम जो बात करते हैं चौदवे क्वेश्चन के बारे में उस बिंदु का नाम बताइए जिस पर देखिए गुणसूत्र जुड़े होते हैं देखिए हमारे जो क्रोमोजोम्स हैं ये क्रोमोजोम्स है हमारे बोलो हाँ अब ये जो क्रोमोजोम्स हैं देखिए साथियों तो क्रोमोजोम्स यहाँ पे कहा पर जुड़े होते हैं देखिए सिंपल सी बात है तो क्रोमोजोम बेटे देखिए जुड़े होते हैं कहाँ पर सेंट्रोमियर पर लग जाए क्लियर सारी बात है तो सारे के सारे जो क्रोमोजोम्स है देखिए वो इस वाले भाग पे जुड़े हैं कहाँ पर सेंट्रोमियर वाले भाग पे जुड़े हुए हैं बोलो हाँ अब देखिये जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट होता है बालक ये सेंट्रोमियर वाला पार्ट पे ही देखिए हमारे सारे के सारे जो क्रोमोजोम्स है वो जुड़े होते हैं अब मुद्दा ये बन जाता है देखिए ध्यान से कि सर इनके आधार पे हमने किस प्रकार से क्रोमोजोम्स को तोड़ दिया बालक ये देखिए ध्यान से तो सबसे पहले देखिए जब दोनों के दोनों पेयर अगर हम इस प्रकार से कहें देखिये कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल की अगर यहाँ पे सेंट्रोमियर जो होता है हमारा वो सेंट्रोमियर एकदम टॉप पे पहुंच जाए या ऊपर पहुंच जाए नीचे पहुंच जाए ठीक है तो बड़ा इसे बोलते हैं टेलोसेंट्रिक क्या बोलते हैं टेलोसेंट्रिक बोलते हैं अगर हम बात करें साथियों यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो क्रोमोजोम है जो सेंट्रो जो सेंट्रोमियर है साथियों जो सेंट्रोमियर है वो किसी एक हिस्से के ऊपर की तरफ टच करना शुरू कर दे उसे बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक अगर हम बात करें देखिए साथियों जो क्रोमो जो हमारा सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा देखिए ऊपर की तरफ बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक और लास्ट में देखिए जब हमारा सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में रहे सेंटर में रहे साथियों तो सेंटर में रहता है हैं मेटासेंट्रिक तो इस तरह से सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे हमने इसको बहुत सारे भागों में तोड़ दिया ठीक है इतना भी समय आ गया छोटा सा पॉइंट गलती मत करना एक बालक बोल रहा था सा कि सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट है बेटा देखो मैं आपको पहले क्लिक कर दू कि मैं अपने मन से कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं सारे के सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं है ना

तो आपको पूरी की पूरी अगर आप बेटा पचास में से पचास लेके आने वाले तो यकीन मानना चाहती हो कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला कोई भी नहीं रोकने वाला क्लियर सारी बातें बोलो हाँ या ना और मैं बताऊंगा कि इसका सेफ स्कोर क्या है अगर तुमने सब चीजें पढ़ी हुई है और उसके बाद भी साथियों अगर हम देखिए जब बात करेंगे तो इसके बाद भी तुम्हारा यहाँ पे स्कोर चालीस से कम जा रहा है पैतालीस से कम जा रहा है तो तुम नालायक हो सबके सब ये सब सिद्ध करने वाली बात है ठीक है अब जरा यहाँ सुनो अब फालतू ना करना पढ़ो आराम से पढ़ो बहुत बढ़िया बढ़िया देखिए चीजें जो मैं बता रहा हूँ अब जरा यहाँ देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन बेटा पूछा गया है कि इनमें से रॉड टाइप की जो यहाँ पे रॉड टाइप की देखिए जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कौन से होते हैं देखो ध्यान से अब हम देखिए जब बात करेंगे बेटा बैक्टीरिया के बारे में तो बैक्टीरिया हमारे बहुत से प्रकार के देखने को मिलेंगे है ना सारी बहुत सी देखिए प्रकार के मिलने वाले हैं तो बैक्टीरिया करते हैं तो एक होते हैं कोकाई जो बेटा एक होते हैं तो इसका जो सत्य आंसर देखिए बेटा होने वाला वो क्या है तो इसका देखिए आंसर बेटा यहाँ पे बेजिलस होने वाला तो बेजिलस इज द राइट आंसर तो बेजिलस नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो रॉड टाइप के होते हैं तो ए इसका सत्य आंसर यहाँ पे हो जाएगा बात है। अच्छा बालक मुझे एक चीज़ से पूछना आप लोगों से सुनो तुम लोग बस, बस एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि हम जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देने वाले हैं उसमें मजा आ रहा कि नहीं आ रहा इतना बता दो मुझे कॉमेंट के अंदर तुमने बेटा कॉमेंट तो फालतू कर दिए कि भैया ये कर दिया वो कर दिया अब ये भी बता दो जल्दी से मुझे फटाफट से ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए जल्दी से देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन का स्रोत क्या माना जाता है देखिए छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया कि हम देखिए जब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन उत्पादन है वो होता कैसे देखिए देखिए बालक सुनो तो ये जो ऑक्सीजन उत्पादन होता है ये होता है कि पानी के द्वारा अगर मान लीजिए कि पानी ना मिले तो क्या यहाँ पे किसी प्रकार से ऑक्सीजन का उत्पादन हो पाएगा नहीं हो पाएगा सिंपल सी बात देखो ध्यान से अब आपको मैं बताना चाहता हूँ देखिए प्रकाश संश्लेषण होती क्या है कि प्रकाश संश्लेषण साथियों एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा लाइट एनर्जी के द्वारा हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे भोजन का निर्माण किया जाता है और साथ ही साथ हम जब बात करते हैं देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये ऑक्सीजन को बाहर निकालती है तो ये जो क्रिया होती है इसे बेटा प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं अब एक बात को और सुनो ध्यान से देखिए हम जब प्रकाश संश्लेषण की बेटा बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर एक यहाँ पे चक्र बनता है और यहाँ पे बेटा चक्र बनता है जिसको हम सिंपल भाषा में कैलविन साइकिल बोलते हैं क्या बोलते हैं कैलविन साइकिल तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैलविन साइकिल का संबंध यहाँ पे किससे है तो इसका संबंध है बेटा प्रकाश संश्लेषण से और ये होता कहाँ पर है

ग्लूकोज में जाता जरूर है भैया लेकिन क्या इसे हम ग्लूकोज में जमा करते हैं नहीं अगर ग्लूकोज के रूप में जमा करेंगे ना तो इससे हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ सकती है सिंपल सी बात है अब जरा यहाँ पे देखिए बालक तो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है इसको देखिए बेटा बदलते हैं किसमें ग्लाइकोजन में तो क्वेश्चन बनता है द दीवर स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन प्लीज सारी बात है इसका मतलब यह है साथियों कि हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको ग्लाइकोजन के रूप में ही संग्रहित किया जाता है और इसको जग, इसको जमा कौन करता है तो इसको जमा करता है देखिए हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको बोलते हैं लीवर तो लीवर यहाँ पे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करेगा अब आते हैं मेन मुद्दे पर मेन मुद्दा क्या है देखिए ध्यान से सुनो मेन मुद्दा देखिए जब ग्लूकोज को देखिए ग्लाइकोजन में तोड़ते हैं तो इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस क्या बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं सिर्फ ग्लाइकोजेनेसिस क्या है तो ये होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में जाना ठीक है सिंपल सी बात है अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई है तो क्या करेंगे हमने ये जो भोजन स्टोर किया हुआ है ये जो ग्लाइकोजन बेटा हमने स्टोर किया हुआ है इसको हम वापस यूज करेंगे तो जब यहाँ पे ग्लाइकोजन को देखिए यूज करते हैं किसमें देखिए ग्लाइकोजन को बेटा यूज करते हैं किसके अंदर तो आंसर है हमारे ग्लूकोज में उसको बोलते हैं ग्लाइको क्या बोलते हैं ग्लाइको बोलते हैं तो ये दो प्रोसेस को जरा समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से पहला है ग्लाइकोजेनेसिस और दूसरा हम देखिए जब बात करते हैं साथियों दूसरा है हमारा कौन सा ग्लाइको इस बात को जरा समझ, समझा चुका हूं और इसमें देखिए हमारा जो आंसर वो हमारा ग्लाइकोजन हो जाएगा तो ग्लाइकोजन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए सुनो क्वेश्चन देखिए बड़ा पूछा गया है

और यहाँ पे बेटा देखिए पाए जाने वाली जो मुख्य धातु वो कौन सी है मैग्नीशियम तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्लोरोफिल में देखिए कौन सी मुख्य धातु मिलती है तो आंसर है मैग्नीशियम मिलती है अब इसके अंदर देखिए दो चीजें होती हैं सुनो अब ये जो होता है वो लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है लेड प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है और ये देखिए जो होता है बेटा वो ग्रीन प्रकाश में सबसे कम होता है अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो यहाँ पे लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है और हरे प्रकाश में सबसे कम होती है अब क्योंकि ऑप्शन के अंदर बेटा हरा प्रकाश दिया नहीं गया तो अब इसका आंसर देखिए यहाँ पे सी लगाने वाले हैं लेकिन मैं पहले क्लिक कर दू बेटा सुनो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि बताइए जल्दी से बताइए जल्दी से कि सबसे ज्यादा किसमें होती है तो सबसे ज्यादा देखिए बेटा होती है लाल प्रकाश में किसमें सबसे ज्यादा होती है लाल प्रकाश में और सबसे कम होती है हरे प्रकाश में क्योंकि ऑप्शन में हरा नहीं दिया गया तो हम इसका आंसर देखिए ब्लू लगा सकते हैं नीला लगा सकते हैं लेकिन मैं पहले क्या बता रहा हूं अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्शन में बेटा लाल और हरा दें तो लाल और हरा दें तो लाल और हरा ही बातें? बोलो हाँ या ना? बातें। जो पेड़ पौधे तो रेशेदार जो जड़ मिलती है कहां मिलती है देखिए हमारे पास में बेटा जड़ें दो प्रकार की होती देखिए टेपरूट रूट्स ये जो फेवरेस रूट है मैं इसकी बात करने वाला हूँ इसमें होता क्या देखिए आपको कोई फिक्स मुख्य जड़ नहीं मिलती यहां पे बहुत सारी जड़ें आपको देखने को मिलेंगी अभी मिलती किस में साथियों तो ये मिलती है बेसिकली किस में देखिए एक बीज पत्री में तो हमारे जो एक बीज पत्री पेड़ पौधे होते हैं जो मोनोकॉड्स होते हैं तो मोनोकॉड्स के अंदर साथियों हूँ पाए जाने वाले जड़े कैसे हैं रेशेदार जड़े हैं इसको जरा समझो इसे प्रेमनी कुल का जड़ भी बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रेमनी कुल की जड़े बोलते हैं इनका जो तना होता है ये बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है इसको जरा समझो पत्तियां बहुत बड़ी 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 होती है तो ये बहुत से तरीके हैं जो आप यहाँ पे इसको पता कर सकते हैं देखिये बस मैं आपसे बड़ा ये कह रहा हूँ देखिये यही कहना चाहता हूँ आज हमारा होली ऑफर है तो आज इकतीस मार्च तक नाबालग आपको यहाँ पे ये जो बैच है वो मिलने वाला है डिस्काउंट के अंदर मतलब आपको सौ रुपए का कम बैच मिल जाएगा तो प्लीज आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको लगना है कि भैया मुझे एक कंसेप्ट पढ़ना है दम से पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े तो आप समझ चुके हैं और एक बात और बताना चाहता हूँ देखिए साथियों आपको बता दो तो आज रात के दस बजे मेरी एक स्पेशल क्लास और आने वाली है और उस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से जो पीरियड टेबल है जो आवर्त है वो समझाने वाला हूं तो उसको भी जरा समझिएगा क्लियर सारी बातें चलिए शुरू करते हैं देखिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पुष्प का वो कौन सा भाग है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है देखिए पूछा गया कि हमारा कौन सा देखिए पार्ट है साथियों जो यहाँ पे फोटो में पार्ट लेगा अब ये बताओ छोटा सा पॉइंट ये फोटो में कौन पार्ट लेता है जिसमें ग्रीन कलर मिलता है और ग्रीन कलर कहा मिलता है साथियों तो ग्रीन कलर देखिए मिलता है हमारे किसमें कैलेक्स में दलपुंज बोलते, बोलते, बोलते हैं तो ये देखो बेटा जो बाहर वाला हिस्सा होता है देखियो हम जिसे क्या बोलते हैं दलपुंज क्या बोलते हैं दलपुंज बोलते हैं जिसको कैलेक्स कहा जाता है तो ये वो हिस्सा है साथियों जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है क्लियर सारी बातें है क्योंकि हरे प्रकाश में हरे रंग का है और इसके अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से होने वाली है तो इसमें इज द राइट आंसर जबकि जो पत्तियां बनती है वो दलपुंज का निर्माण करती हैं कोरोला का निर्माण करती हैं जिसमें रंग बिरंगे रंग होते हैं और हम जब बात करेंगे तो खुशबू भी आती है फिर देखिए बीच में आपको देखिए जिम्नोसियम मिलेगा जो यहाँ पे मादा जनन अंग है फिर आपको एंड्रोसियम मिलने वाला है जो नर जनन अंग है और इस प्रकार से हमारे फूल जो फ्लावर्स होते हैं उसके चार भागों का निर्माण यहाँ पे हो जाता है ठीक है नेक्स्ट देखिए बताइए जो यहाँ पे ऐसी जड़ें होती है जिसमें नॉट मिलती है उनको किस क्या कहा जाता है देखिए ऐसी जड़ें जिसमें देखिए गांठे मिलती है देखो ये जड़ मिल रही है क्या आपको इसमें नॉट दिखाई दे रही है यहाँ पे गांठ दिखाई दे रही है बिल्कुल दिखाई दे रही भैया अब ये जो ये जो बेटा हम जब बात करेंगे देखिए ध्यान से ये जो ये जो जड़े हैं वो किस में देखने को मिलती है तो ऐसी जड़े आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है दलहन के पेड़ पौधों में तो हमारे जो दाल की पेड़ पौधे दाल के जो पौधे होते हैं जिसमें दलहन मिलती है तो दलहन में बेटा ये पाई जाती है अब आपको मैं छोटा सा पॉइंट है जो बताना चाहता हूँ इसको ध्यान से ठीक है अब जरा इसको देखे ध्यान से होता क्या है देखिए ये जो पेड़ पौधे होते हैं साथियों हो, ये जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे देखो ये जो पेड़ पौधे होते हैं तो इन पेड़ पौधों की जड़ों के अंदर यहाँ पे राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है और जिससे वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस ढंग से हो पाती है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो क्रिया होती है जिससे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस वो यहां पे ढंग से हो पाती है इस प्रोसेस के कारण ठीक है चलो मैं एक बार देख रहा हूँ ये कि मेरे छोटे भाई बहनों ने बेटा अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ बेटा एक बार जल्दी से कि सबके सब मेरे जितने भी छोटे भाई बहन है वो इस सेशन को जल्दी से बेटा लाइक शेयर कर दो बहुत अच्छी क्लास हो रही है और आप में से बहुत से बच्चों ने अभी तक नहीं किया ठीक है मतलब बच्चे ज्यादा हैं और बच्चों ने काफी कम किया हुआ है तो ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है ये बात सब कर करो जल्दी से मतलब बच्चे ज्यादा हैं

तो नींबू का बैठे पौधा देखा आपने सिंपल सी बात है ये देखिए इसका पौधा देखना इसकी पत्ती हो, जो होते हैं वो हम क्या करते हैं देखिए साथियों सर फोन मुझे दे दो आपका वाला कैसी बात करता है भाई सवाल लाख का फोन है मजाक कर रहा हूँ देखिए से अब देखिए हम जो बात करेंगे वाला कि इसको जरा समझने का प्रयास करना देखिए जो खट्टे फलों के अंदर यहाँ पे जो साइटस होती है जो साइटस मिलती है ना उसके अंदर यहाँ पे कमी हो जाती है तो किसी कमी से पीले पड़ जाते हैं तो बेटा ये पीले पड़ते हैं मैग्नीशियम की कमी से मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर इनकी पत्तियों में मैग्नीशियम की कमी हो जाए है ना तो मैग्नीशियम की कमी से इनके ऊपर देखिए पीले पीले स्पॉट आना शुरू हो जाएंगे तो आंसर हमारा बी मैग्नीशियम हो जाएगा देखिए बताइए इनमें से कौन सा देखिए लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है हमारी पृथ्वी पर तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा देखिए सबसे बड़ी जो पक्षी मेरा मिल मिलती है वो हमारी ऑस्ट्रिच मिलती है शत्रुर्मुग मिलती है हमारे सेंट्रल की तरफ सेंट्रल एशिया में देखिए ये पक्षी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है बहुत ही स्पीड से भागती है और कहते हैं उसकी ठोकर लगने से इंसान की मृत्यु तक हो सकती है तो ये ऑस्ट्रिच है तो ऑस्ट्रिच हमारा देखिए बेटा क्या है शत्रुमुग हो जाएगा इजी क्वेश्चन था ये तो है ना देखिये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये स्मॉलेस्ट पक्षी देखिए कौन सी है तो स्मॉलेस्ट पक्षी देखिए आपको नजर आने वाली है बेटा यहाँ पे जिसका नाम है हमिंग बर्ड ठीक है सारी बात है तो यहाँ पे हमिंग बर्ड है जो नजर आएगी ठीक है कहते हैं कि इसकी उड़ने की जो फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है मतलब बहुत तेज गति से यहाँ पे उड़ती है हमिंग बर्ड के बारे में ये मैंने आपको छोटा सा पॉइंट है देखिए जो बता दिया ठीक है इसको जरा समझिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए कि इनमें से कौन सा देखिए लार्जेस्ट मैमल माना गया स्तनधारी माना गया स्तन देखिए माना गया अब हम देखिए जब बात करेंगे तो हमारे जितने भी जीव जंतु हैं उनमें से सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो देखिए बेटा ब्लू वेल है और वेल के अंदर भी कौन सा की ब्लू वेल होने वाली है लेकिन हम जब हम जब देखिए जब बात करते हैं हमारी जमीन के बारे में तो जमीन में हमारा हाथी है कौन सा देखिए हाथी है अच्छा एक चीज मैं बताऊं सुनोद से ये जो डायनासोर थे ना डायनासोर बेटा ये स्तनधारी नहीं थे ये डायनासोर देखिए रेप्टाइल्स हुआ करते थे ये ये यहाँ पे क्या थे बेटा रेंगने वाले जीव हुआ करते थे

के, जो पाए जाने वाले साथियों हम जब बात करते हैं यहाँ पे जो लेयर्स होती हैं जो फर्द होती है उनके टेम्परेचर को रेजिस्टेंस देती हैं वो तापमान को देखिए यहाँ पे बढ़ने घटने नहीं देती तो इसका आंसर की बेटा बकरी घोट या बकरी भेड़ और घोट हो सकती है अब आपको मैं बताना चाहूंगा बेटा छोटा सा पॉइंट कि हमारी दुनिया के अंदर बहुत सारी देखिए बकरियां मिलती हैं बहुत सारी भेड़ मिलती है सिंपल सी बात है आपको बताओ देखिए एक अंगोरा प्रजाति की ना बकरियाँ मिलती हैं और अंगोरा प्रजाति की बकरिया सबसे बेहतरीन बकरिया मानी जाती है पूरी विश्व के अंदर ये भी आप जरा समझ सकते हैं तो अंगोरा प्रजाति की बकरिया बहुत फेमस है ये हमारे जीएस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ठीक है चलो नेक्स्ट देखिए बताइए जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें क्या मिलता है देखिये तो सिंपल सी बात है बेटा कि मधुमक्खी के डंक के अंदर यहाँ पे आपको एसिड मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलता है देखिये एसिड मिलता है कौन सा बेटा फॉर्मिक एसिड मिलता है अब यहाँ पे देखिए बेटा पाया जाने वाला जो एसिड है वो कौन सा देखिए फॉर्मिक है और इसी कारण से कि आपको यहाँ पे सूजन हो जाती है तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर हमें जो सूजन हो रही है वो किस कारण से हो रही है तो सूजन हो रही है किस कारण कारण से तो फॉर्मिक एसिड के कारण ही यहां पे जो सूजन है वो यहाँ पे हो रही है ठीक है चलिए देखिए बताइए जल्दी से क्वेश्चन की पूछा गया है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ दी पार्किंसन बीमारी के लिए किसको देखिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने यहाँ पे नोबल पुरस्कार प्राप्त किया था

ठीक है तो ये जो चीजें हैं वो यहाँ पे पार्किंसन बीमारी में हो जाती है, है अब इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया जाती हूँ तो बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे यहाँ पे देखिए एरविड यहाँ पे कार्लसन तो एर्विड कार्लसन के द्वारा इसको बताया गया था और सन 2000 में में देखिये इन द ईयर टू थाउजेंड में इसके इनको यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था बेटा बी आंसर अट्ठाईस का बी बोल रहे हो तुम लोग नालायक को देखो ध्यान से चलो तो बताए जल्दी से कि किडनी की देखिये जब बात करते हैं तो किडनी में जो पथरी बनती है वो किस कारण से बनती है देखिए अब किडनी में जो पथरी बनती है वो बनती है कैल्शियम ऑक्साइलेट से किससे बनती है कैल्शियम ऑक्सीट से बनती है इसके अलावा देखिए इसमें थोड़ी सी मात्रा में देखिए यहाँ पे यूरिक एसिड भी होता है तो ये भी जरा समझो देखो तो किडनी में जो पथरी बनती है वो यूरिक एसिड से बनती है लेकिन मेन क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइलेट होता है तो इसका फॉर्मुला बनता है सी ए सी टू ओ फोर तो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है जो हमारी पथरी का निर्माण करता है और ये पथरी जब ये नली में फंस जाती है तो भयंकर दर्द का एहसास भी कराती है तो ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्जिलेट इज अ राइट आंसर जो पथरी का निर्माण करता है क्लियर है अच्छा इसको बदलने वाला हारमोन कौन सा भैया ऐसा कौन सा हारमोन होता है जिसके बदलने से हमारे शरीर में पथरी की चांसेस ज्यादा हो जाती है आपको मैं क्लियर कर दू चाहती हूँ कि हमारे शरीर में ना एक ग्रंथि मिलती है पैराथायरोड और वहां से देखिए हम जब बात करेंगे तो पैराथायरॉड हार्मोन या कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है और ये रिलीज हमारे शरीर में ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है ठीक है इसको जरा समझो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देके जा रहा हूं आज अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन एक क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क है होमवर्क क्वेश्चन देखिए क्या है कि इनमें से कौन सी दवाई देखने दी, साथ ही दी जाती है ताकि इंसान को नींद आ जाए और वो शांत हो जाए तो अगर मान लीजिए कोई इंसान देखिए ज्यादा स्ट्रेस में है ज़्यादा स्ट्रेस में है उसे शांत करने के लिए नींद लाने के लिए उसे दवाई कौन सी देते हैं आप इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा और बेटा जिसका कमेंट सबसे बेस्ट होगा ना सबसे बेस्ट कमेंट होगा उसका मैं कमेंट नेक्स्ट क्लास में शो जरूर करूंगा ठीक है तो ये मत सोचिएगा सर अभी क्लास यहाँ पे खत्म हो गई है ना ना, ना। अभी तो हमारी क्लास चलने वाली है अभी तो हमारे दस क्वेश्चन और भी है ये तो तीस क्वेश्चन था तो इसका आंसर मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा अभी यहाँ नहीं बेटा कॉमेंट सेक्शन में देखिए कीजिएगा चलो क्वेश्चन बनता है सर कि यहां पे इन्वेंटर ऑफ द आर्टिफिशियल हार्ट देखिए हमारा जो यहाँ पे कृत्रिम हृदय है तो कृत्रिम हृदय के बेटा आविष्कारक कौन है अभी ये बड़ी समस्या वाली बात है अब आप में से इसमें से बच्चे बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा है यहाँ पे रॉबर्ट जार्विक के बारे में ना उन्होंने तो जार्विक सेवन बनाया था लेकिन सबसे पहले कृत्रिम हृदय इनके द्वारा नहीं खोजा गया है बेटा कृत्रिम हृदय के जो आविष्कारक है वो है पॉल विंशल कौन है पॉल विंशल, विंशल right yes. तो पॉल विंशल इज अ राइट आंसर यस तो जब मैन डिस्कवर दी आर्टिफिशियल हार्ट तो जिसके द्वारा यहाँ पे देखिए कृत्रिम हृदय की खोज की गई बेटा वो पॉल विंशल है और ये है हमारे रॉबर्ट जार्विक जिन्होंने सबसे बढ़िया यहाँ पे जारवी सेवन नाम का जो हृदय वो बनाया है ठीक है जिनके द्वारा बेटा प्रत्यारोपण किया गया था तो पहला जो आर्टिफिशियल प्रत्यारोपण किया गया वो जारवी सेवन का किया गया ये मैं बताना चाहता हूं छोटा सा पॉइंट जो रॉबर्ट जारविक द्वारा बनाया गया लेकिन हम जब बात करेंगे बालक तो क्या इन्होंने सबसे पहला कृत्रिम हृदय खोजा था बिल्कुल नहीं खोजा था इसमें सत्य आंसर हमारा पॉल विंशल हो जाएगा तो पॉल विंशल इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए बताइए एनाल कौन सी दवाइयां होती है एनाल देखिए आपको बताना चाहता हूं बेटा एनाल के बारे में कि वो दवाइयां हैं जो दर्द को कम कर देती है तो दर्द को कम करने के लिए हम जिन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं वो एनाल है जैसे बता दो कि आपने सबसे फेमस यहाँ पे दवाई मिलती है जिसका नाम है ब्रोफिन बहुत खाई होगी ब्रोफिन आपने थोड़ा दर्द हुआ नहीं ब्रोफिन खा लो तो ब्रोफिन जो दवाई है वो एनाल जैसे का काम करती है तो ये है एक ऐसी दवाई है जिनको हम सिंपल सी भाषा में पेन रिलीवर बोलते हैं तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम होता है उसको इफेक्ट करती है और ये दवाई है हमारे दर्द को कम करने का कार्य भी करती है क्लियर सारी बातें चलो नेक्स्ट देखिए बताइए क्वेश्चन देखिए बनता है कि डेथ ऑफ ए पर्सन हु कंज्यूम हैवी अमाउंट ऑफ द अल्कोहल इज यूजली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन अगर मान लीजिए कि एक इंसान है वो ज्यादा मात्रा में शराब पिए जा रहा है, जरा पिए जा रहा है, शराब पिए जा रहा है तो भैया क्या करेंगे तो भैया उसमें होता क्या है उसके देखिए डेथ हो जाती है अब मुद्दा बनता भैया डेथ क्यों होती है किस कारण से होती है तो बेटा डेथ होती है उसके लीवर फेरियर से मतलब उसका जो लीवर है वो चला गया और लीवर जब जाता है उसे बोलते हैं सिरोसिस क्या बोलते हैं सिरोसिस बोलते हैं क्लियर सारी बातें तो अगर मान लीजिए कि डेथ हो रही है किसी व्यक्ति की यहाँ पे ज्यादा मात्रा में अल्कोहल के कंजप्शन से तो उसे हम क्या बोलते हैं सिरोसिस बोलते हैं अब देखिए सिरोसिस होती है कैसे इसको समझिए ये हमारा बेटा हेल्थी लीवर है आपको मैं बताना चाहता हूं छोटा सा पॉइंट कि हमारे शरीर के अंदर ना एक ऐसा ऑर्गन जिसकी बेटा सबसे ज्यादा यहाँ पे रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है वो खुद को दोबारा से डेवलप्ड कर सकता है वो हमारा लीवर ही है लीवर में अगर चोट लग जाए तो लीवर खुद को बहुत जल्दी यहाँ पे डेवलप्ड करता है रीजनरेट करता है और ये प्रॉपर्टी हमारे शरीर में कहीं और नहीं मिलती सिर्फ लीवर में पाई जाती है अब ये हेल्दी लीवर है अब देखिए थोड़ा थोड़ा फैट जाना जमना शुरू हो गया अब होता है क्या तरीकेदार से कि इसको तो रिवर्स कर सकते हैं मतलब अगर मान लीजिए फैटी लीवर हो गया है आप उसको रिवर्स कर सकते

मारा तो ले लेंगे ये आप जरा यहाँ पे समझिए देखिए नेक्स्ट देखिए बताइए कि इनमें से कौन सी तरंगे हैं साथियों जो जा सबसे ज्यादा यहाँ पे बायोलॉजिकल डैमेज मारती है मतलब हमें सबसे ज्यादा खतरा हो किससे है एक्सरे से गामा किरणों से से बीटा रे रे अल्फा से देखिए आपको मैं क्लिक कर दूं ये सारे के सारे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में शामिल की गई है ये कैसी बात कर रहे हैं हमने अल्फा रे बीटा रे तो पढ़ा नहीं है देखिए अल्फा रे बेटा बीटा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती है ये रेडियो एक्टिवेशन के समय मतलब जब रेडियो सक्रियता होती है तो रेडियो एक्टिवेशन के समय सबसे ज्यादा फैलती है लेकिन सबसे ज्यादा देखिए जो अंतर सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाती है वो गामा किरणें हैं अब ये गामा किरणें क्यों पहुंचाती है इसका रीजन बताइए देखिए आपको मैं बताऊं कि अल्फा रे बीटा रे बीटा न्यूट्रॉन्स और गामा किरणों के जो भेदन क्षमता अलग अलग है सबसे ज्यादा भेदन क्षमता वाली कोई तरंगे हैं तो वो गामा किरणें होती हैं और गामा किरणों की हम जब बात करेंगे साथियों तो जो स्पीड होती है ये प्रकाश की गति के समान ही मानी जाती है मतलब इनकी जो स्पीड है इनकी जो पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई है और स्पीड यहां पे प्रकाश के समान है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं देखिए बताइए क्वेश्चन बनता है ऐसा कि एंजाइम का यहाँ पे जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है देखिए ये क्वेश्चन बन जाता है सुनो ध्यान से अब देखिए एंजाइम की हम बात करेंगे बालक तो इसको यहां पे नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं जैव उत्प्रेरक क्या बोलते हैं जैव उत्प्रेरक बोलते हैं और जैव उत्प्रेरक को बेटा इंग्लिश में देखिए नाम दिया गया जिसे बोलते हैं बायो कैटलिस्ट क्या बोलते हैं बायो कैटलिस्ट बोलते हैं अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं हमारे वो किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देते हैं अब इसकी हम जब बात करेंगे तो उसमें एक्टिव पार्ट मिलता है और इसमें जो पाया जाने वाला एक्टिव पार्ट होता है उसे बोलते है एपो एंजाम तो एंजाइम के जो एक्टिव वाले हिस्से होते हैं जो सक्रिय भाग होता है बेटा उसको हम बोलते हैं एपो एंजाम इसे आइसो एंजाम नहीं बोलते इसे क्या बोलते हैं एपो एंजाइम कहते हैं जो मुख्यतः प्रोटीन वाला पार्ट यहां पे पाया जाता है ठीक है चलिए छत्तीसवा देखिए बताइए इनमें से साथियों कौन सा प्रोटीन है जो हमारे बालों में हमारे नाकरों में पाया जाता है तो बालों में नाकरों में पाया जाने वाला जो प्रोटीन देखिए बच्चे कौन सा है कैरोटीन है कौन सा कैरोटीन है और मैं आपको बताना चाहता हूं छोटा सा पॉइंट कि इसी कैरोटीन के कारण इसी कैरोटीन के कारण हमारे नाखनों में हमारे बालों में फबूंदी जम जाती है और ये जो फबूंदी होती है बच्चे से बोलते हैं कैरोटोनोफिलिक क्या बोलते हैं कैरोटोनोफिलिक बोलते हैं तो ये फफूंद जम जाती है फंगस जम जाती है जो कैरोटीन को यूज करती है ऐसे पोषक तत्व के रूप में ठीक है चलो नेक्स्ट देखिए बताइए जल्दी से नर को क्या कहा जाता है देखिए बेटा गैमेट होते हैं हमारे सेक्स कोशिकाएं कोश सेक्स सेल्स की बात करते हैं तो नरों के द्वारा देखिए शुक्राणु का स्पर्म का निर्माण होता है और महिलाओं के द्वारा देखिए बेटा ओवम यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है और इनको बोलते हैं बच्चे देखिए युग्मक क्या बोलते हैं युग्मक बोलते हैं तो नर युग्मक जो है वो हमारा शुक्राणु दट इज स्पर्म और मादा युग्मक जो है साथी देखिए वो क्या है ओवम है ये दोनों के दोनों मिलेंगे और मिलने के बाद देखिए जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो निशेषन की क्रिया होती है और इसी निशेषण की क्रिया के बाद देखिए बच्चे यहाँ पे किसका निर्माण होता है युग जन का निर्माण होता है युग्मनज का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं वो पे भ्रूण का निर्माण करता है एम्ब्रॉय का निर्माण करता है तो इसका सत्य आंसर देखिए शुक्राणु हो जाएगा शुक्राणु इज जा, राइट आंसर अच्छा एक चीज मैं बता दू शुक्राणु भी दो प्रकार के होते हैं एक होता है पूछ वाले एक होता है बिना पूछ वाले और बेटा जो पूछ वाले शुक्राणु होते हैं जिनके अंदर टेल मिलती है सिर्फ वही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में काम करने वाले हैं बिना इसके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के काम नहीं करते ठीक है क्ले सारी बातें बोलो हाँ या ना देखो ध्यान से चलो नेक्स्ट देखिए बताइए कि यहां पे प्रतिशत खाद्य का आविष्कार किसने किया था रेफ्रिजरेटेड फूड का बेटा खोज किसने की है मतलब हम ऐसे खाद्य पदार्थ की बात करने वाले हैं जो यहाँ पे रखा जा सकता है जिसको सुरक्षित रख सकते हैं इसको देखिए खोज करने वाले साथियों जो व्यक्ति है वह है यहाँ पे क्लॉरेंस बर्डो तो क्लॉरेंस बर्डो के द्वारा यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो रेफ्रिजरेट फूड की खोज की जा रही है मतलब एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसको काफी लंबे समय तक आप यहाँ पे सुरक्षित रख सकते हैं जो खल्दी, जल्दी खराब होने वाला नहीं है इसको जरा समझो ठीक है छोटा सा पॉइंट है चलो उनतालीसवा क्वेश्चन देखिए बताइए की सबसे लंबी बेटा कोशिका कौन सी मानी गई है ठीक है हमारे शरीर की बेटा सबसे छोटी कोशिका नहीं है सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं तो मानव शरीर में साथियों सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो हमारी नर्व सेल में मिलती है जिसे हम न्यूरो बोलते हैं तो तंत्रिका जो कोशिका होती है हमारी डेट इज हमारे मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका इजी क्वेश्चन नहीं है बोलो हाँ सिंपल सी बात है तो यह हमारे शरीर में बेटा सबसे पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है जो यहाँ पे मिलने वाली है ठीक है इस बात को जरा समझो ठीक है छोटा सा पॉइंट है तो ये हमारे देखिए बेटा यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिकाएं देखिए जाती हो जो मिलने वाली है ठीक है प्लीज सारी बातें चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बताइए जल्दी से देखिए हम जब बात करते हैं तो किसके द्वारा साथियों डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की जो खोज है वो की जा रही है देखिए अल्ट्रासाउंड ना वो तकनीक होती है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे आपके शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के यहाँ पे कारकों को जान सकते हैं मान लीजिए पेट में सूजन हो गई है या पेट में गड़बड़ी है क्यों गड़बड़ी है किस कारण से कोई हमारा ऑर्गन ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है अब इसकी बेटा सबसे पहले जो खोज किसके द्वारा की जा रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं छोटा सा पॉइंट कि इसकी सबसे पहले जो डिस्कवरी बेटा वो किया जा रहा है इयान डोनाल्ड के द्वारा तो इयान डोनाल्ड वो हमारे वैज्ञानिक है वो था, यहां पे, या आप सिंपल सी में कहना चाहें तो इसको हम सिंपल सी भाषा में देखिए डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं ठीक है ठीक है बालक चलो नेक्स्ट देखिए बताइए जल्दी से कि इनमें से बेटा कौन देखिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ द कड़ में देखिए दूध का दही में परिवर्तन हो जाना तो दूध का साथियों दही में जो परिवर्तन है वो एक तरह की रासायनिक क्रिया मानी गई है और ये जो रासायनिक क्रिया की जाती है वो की जाती है बैक्टीरिया के थ्रू आपको मैं बताऊं एक वैज्ञानिक का नाम बहुत पूछा जाता है बेटा से जिनका नाम है लुई पास

और ये बनाता है कौन है लेक्टोबेजिलस बनाता है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी सबके सब, सब। <laughs> देखिए बताइए एक नर के सहायक जनन नलिकाओं में शामिल है देखिए बेटा नर की बात की जा रही है देखिए 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 नर की की बात जा रही है से. कि इसमें शामिल, आ, किया जाता है है से किसको शामिल शामिल किया किया जाता जाता आपको मैं छोटा सा पॉइंट बताऊं देखिए देखिए हमारे पास में दो तरह के देखिए जनन अंग होते हैं नर और देखिए कौन से मादा सिंपल सी बात है बोलो हाँ ना अब आपको मैं बताना चाहता हूं देखिए साथियों कि यहाँ पे किसको देखिए शामिल किया जाता है इस बात की हम बात यहाँ पे करते हैं देखिए ध्यान से द दी जिसको देखिए बेटा यूज करते हैं किसमें तो बेटा हम देखिए यूज करते हैं किसके अंदर इसको हम यूज करते हैं देखिए फॉर दी आ, मेल के अंदर सहायक जनन अंगों में देखिए सहायक जनन अंगों की हम जब बात करेंगे तो यहां पे रुको क्वेश्चन क्या बोल रहा हमारा है ये रुको रुको बेटा गर्भाशय तो शामिल होता नहीं नर, नर के अंदर बेटा गर्भाशय कहां शामिल होता है रुको रुको, गर्भाशय कहां शामिल होता है होता है क्या नहीं होता ना वही तो बोल रहा हूं क्यों अगर देखो गर्भाशय को हटा दिया जाए बेटा सुनो ध्यान से अगर गर्भाशय को हटा दिया जाए तो इसका आंसर देखिए बेटा वृषण जाली का हो जाएगा आंसर ब्रिशन जाली का हो जाएगा लेकिन इसमें यह भी नहीं होना चाहिए यह भी नहीं होना चाहिए बेटा एक काम करते हैं सुनो 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 एक काम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा हटाते हैं देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया गया सुनो सुनो क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन थोड़ा सा गलत है एक ऑप्शन के कारण ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा गलत हो जाएगा वैसे मैं बताऊँ अगर मान लो इसको हटा दिया जाए तो आंसर हम हाँ बिल्कुल सही है बिल्कुल सही आंसर है अगर हम देखिए बेटा फॉर एग्जाम्पल इसको हटा दिया जाए इसको हटा दे किसको हटा दे

ठीक है बालक देखो तो हम देखिए इसमें यूरिया की बात करने वाले क्लियर सारी बातें तो यूरिया देखे वाले किसमें होता है आपको मैं बता चुका हूं छोटा सा पॉइंट बालक एक मिनट बना सकें सब, सब प्लीज मेरे ना स्टूडियो में ना अभी मधुमक्खी आ गई है और मैंने भी पढ़ाया था आपकी कि मधुमक्खी के डंक में क्या होता है फॉर्मिक एसिड होता है अब पता चला कि भैया तुम पढ़ा रहे हो भैया सूझ गए है ना तो एक मिनट बेटा मुझे पहले मधुमक्खी बाहर निकालने दो वो बहुत आ गई यहाँ पे ठीक है देखो ध्यान से बालक अब देखिए जब बात करेंगे इसको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा बहुत ही बड़ी देखिए तो मैंने ये बताया कि हमारे शरीर के अंदर से निकलने वाला जो पदार्थ है वो क्या देखिए बेटा यूरिया लेकिन मैं बता दू सुनो छोटा सा पॉइंट कि अगर अगर यहाँ पे पूछा जाए कि जो मूत्राशय होते हैं है ना जो मलमूत्र की जगह होती है तो वहां पर जाती हो जो गंध आती है वो किस कारण से आती है तो वो गंध आती है देखिए हमारे किस कारण से तो आती है यहाँ पे अमोनिया के कारण तो जो गंध होती है वो अमोनिया के कारण होती है इसको भी समझो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए कि हमारे शरीर में वो कौन सा देखिए भाग है जिसके अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो निकलते रहते हैं वसा निकलता है वाटर निकलता है कहाँ से निकलती देखिए तो हमारे शरीर से साथियों जो मलमूत्र का निर्माण होता है वो होता कहां है कहाँ पर किडनी में होता है तो हमारी किडनी के द्वारा ही जो यहाँ पे हानिकारक पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे पेशाब के साथ बाहर निकल जाते हैं यानी कि यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं तो जो यूरिन होती है वो यहाँ पे क्या करती है हमारे शरीर में बनने वाला जितने भी यहाँ पे अनावश्यक पदार्थ है उन सबको हमारे शरीर से बाहर निकालती है हमें स्वच्छ रखती है ये एस्केट्री एस्केट्री देखिए उसमें शामिल किए जाते हैं पदार्थों में एस्केट्री अंगों में शामिल किए जाते हैं देखिए फॉर्मिक एसिड बेटा किस में पाई जाती है फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय देखो अभी मधुमक्खी दिखाओ मैं तुम्हें तो समझ जाओगे कि फॉर्मिक एसिड कहाँ होती है दिखाओ तुम्हें मधुमक्खी

तो वहां पर हम जब बात करेंगे तो वहां पर देखिए एक चटनी बनती है जिसे बोलते हैं काई चटनी जहां पर लाल चीटिया लाल चीटी को पीस कर खाया जाता है और बड़ा स्वाद आता है लोग बोलते हैं वहां पर खाते हैं इस चीज को लेके तो ये मैंने बता दिया ठीक है चलिए बताइए देखिए जल्दी से कि द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन दी इकोसिस्टम देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर मतलब जो यहां पे भोजन का निर्माण करते हैं तो बेटा भोजन का निर्माण करने वाले तो प्लांट होते हैं प्लांट यहाँ पे भोजन का निर्माण करते हैं हम लोग तो प्लांट के द्वारा पाए जाने वाले भोजन को खाते हैं तो आप यहाँ पे जरा समझिएगा छोटा सा पॉइंट है ठीक है क्लीय सारी बातें चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि देखिए जब बेटा पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे नीचे की ओर जाते हैं उसे क्या बोलते देखिए होता क्या सुनो से जब मान के चलो आपने बहुत सारे प्रदूषक पदार्थ लिए और वो यहाँ पे पानी के ज्यादा किसी भी कारण से नीचे जा रहे हैं तो उसको बेटा हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं पे निक्षेपण की प्रोसेस देखिए बोलते हैं तो बेटा आंसर हमारा लीचिंग हो जाएगा अड़तालीसवां क्वेश्चन देखिए बताइए कि इनमें से कौन सा यहाँ पे मल्टी सेलुलर है जिसमें एक कोशिका से ज्यादा मिलते हैं तो एक कोशिका से ज्यादा पाया जाने वाला जो जीव जंतु बेटा वो कौन सा है देखिए वो है एगारिकस एगरिकस की हम जब बात करेंगे बालक तो ये एक तरह का कवक होता है जिसको हम सिंपल सी भाषा में मशरूम बोलते हैं क्या बोलते है? हैं मशरूम क्लियर सारी बात है आप यहां पे देख पाएंगे ये एगरिकस है जिसको मशरूम बोलते हैं आपको मैं बताऊं कि मशरूम कहां पे पैदा होते हैं देखो जान से बालक सुनो मशरूम को ना यहाँ पे कुकर मुता कहा जाता है अब ये कुकर मुता क्या चीज है भैया देखिए कुकर जो होता है वो हिंदी पर्यायवाची में यूज करते हैं डॉग के लिए कुत्ते के लिए तो कहा जाता था कि जहां पर कुत्ते पेशाब कर दें है ना यूरिया कर दे वहां पर मशरूम पैदा हो जाते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा लोग कहा जा रहा है कुकर मुता कहा जाता है तो आप जरा यहाँ पे समझेगा तो देखिए इज अ काइंड ऑफ मशरूम डेट वी कंज्यूम इसको हम खाते भी हैं तो कुकर मुता ये है चलो नेक्स्ट के लिए सारी बातें तो अगली बात समझ लीजिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन देखिए पूछा गया था फादर ऑफ द किसे बोलते हैं द फादर ऑफ द दी सुनो ध्यान से तो बेटा फादर ऑफ द दोमी कहते हैं किसे तो आंसर है कैरोलस को तो कैरोलस कैरोलस इज द राइट आंसर तो कैरोलस लीनियस को हम बोलते हैं द फादर ऑफ द दी इस बात को जरा समझ सकते हैं क्लियर सारी बातें चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइएगा आपके लिए बहुत बढ़िया पचास क्वेश्चन है कि पौधों के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं देखिए तो पौधों के अंदर साथियों पाया जाने वाला जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टेमन उसे बोलते हैं पुंकेसर क्या बोलते हैं पुंकेसर बोलते हैं और ये पुंके सर को तीन भागों में तोड़ा गया है पहला है एंथर दूसरा देखिए पोलन और तीसरा बेटा हमारा फिलामेंट ये हमने बात यहाँ पे की है तो ये थे बच्चे हमारे आज के पचास क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा बहुत कुछ नया सीखा होगा अब आप एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्टे देखिए छोटा सा प्यारा सा कमेंट है वो जो कर सकते हैं क्लास के बाद में बस आपसे देखिए दो चीजें मैं चाहता हूँ वो दो चीजें बेटा क्या देखिए एक तो ये है कि मेरे जो छोटे भाई बहनों ने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया क्लास को लाइक शेयर कीजिएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा साथियों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्यों क्योंकि मैंने आपको एक घंटे अच्छा से से है, खाते है, पीते चले जाते हैं एक प्यारा कमेंट कर देंगे ना तो भैया को संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ भैया क्या जो क्लासेस है वो आप तक तो पहुंच पा रहे हैं और अपना स्कोर जरूर बताएगा अब आते हैं बेटा सबसे मेन चीज पर सुनो सुनो अब आते हैं सबसे मेन चीज पर भैया स्कोर क्या सुनो सुनो बेटा सुनो ध्यान से देखो हम देखिए सबसे मेहनत करते बताना चाहता हूँ उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है वेरी गुड क्यों क्योंकि सारी क्वेश्चन मैं पहले पढ़ा चुका हूं जिनका स्कोर बेटा यहाँ पे फोर्टी से देखिए बेटा फोर्टी के बीच में है तो उनकी तैयारी ठीक चल रही है ठीक चल रही है और बेटा जिनका स्कोर बेटा फोर्टी से कम है इस क्लास के अंदर इस क्लास के अंदर अब उनके लिए मेरे लिए छोटा सा मैसेज है वो ध्यान से से अब देखिए स्कोर किसका होगा मैं बता रहा हूं देखिए दो तरह के विद्यार्थी होंगे दो यानी तीन तरह के विद्यार्थी होंगे पहले विद्यार्थी बेटा कौन होंगे तो पहले विद्यार्थी होंगे वो जो अभी अभी तैयारी शुरू की होंगे तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं बेटा देखिए कि आप है ना अपनी तैयारी का तरीका थोड़ा गलत कर रहे हैं सीधे सीधे टेस्ट देने मत आइए आपको पहले फाउंडेशन पर फोकस करना है पहले फाउंडेशन को मजबूत करो उसके बाद फिर टेस्ट देने बैठो अब उसमें से एक ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको पढ़ते पढ़ते अभी पांच छह महीने हुए हो होंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं कर पांच छह महीने में तुम्हारा स्कोर अच्छा आ रहा है तो ठीक है लेकिन सबसे ज्यादा है साथी उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा जिनको पढ़ते दो तीन साल हो चुके हैं और यदि अभी भी साथियों तुम्हारा स्कोर तैतालीस से कम जा रहा है तो बेटा दो चीजें हैं या तो तुम मेहनत जो कर रहे वो सही दिशा में नहीं कर रहे हैं या तुम्हारे मेहनत का करने का तरीका सही नहीं है या तुमने अभी तक ढंग से चीजें पढ़ी नहीं है तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जाग जाओ ये वो सही समय है जब तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा फोकस करने वाला हो तो मैं मैं बस कहना चाहता हूं बेटा तुम्हारा फाउंडेशन लुल हो चुका है खत्म हो चुका है अपने फाउंडेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करो तो जितना अच्छा तुम्हारा फाउंडेशन होगा उतना अच्छा तुम्हारा स्कोर यहाँ पे होने वाला है तो ये था बेटा हमारी छोटी सी जानकारी अब अभी काम कीजिएगा यहाँ पे प्यारा कमेंट कीजिएगा और मैं कहना ये चाहता हूँ देखिए आज रात ग्यारह आज रात बारह बजे तक आपका बहुत ही शानदार बेटा होली ऑफर यहाँ पे चल रहा है तो आप हमारे होली ऑफर के तहत में हमारे फाउंडेशन बैचेस में जुड़ सकते हैं तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज रात बारह बजे तक ही बेटा वैलिड होने वाला है पहले बता रहा हूँ आप लोगों को फिर देखिए लागू नहीं है और आप हमारे हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़ने के लिए सबसे बेहतरीन जो बैच मैं बोलता हूँ वो है हमारा आरआरबी बैच क्योंकि वहाँ पर ना आपको इंडिया की बेस्ट प्रिपरेशन होने वाली है इंडिया की बेस्ट टीम है साथियों जो यहाँ पे मिलेगी क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं साहिल सर यहाँ पे मिलने वाला आपके हरीश भैया यहाँ पे मिलने वाले हैं है आपको देखिए बेटा आपके प्यारे आकाश सर और यकीन माना कि ये जो तीनों टीचर्स हैं तीनों बड़े भाई हैं ये आपको दुनिया में इस भारत के अंदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सबका बेस्ट कंटेंट है जो प्रोवाइड कराने वाले हैं तो मिलते हैं साथियों है नेक्स्ट क्लास के अंदर बढ़िया तरीके से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा वहां पे पेड कोर्सेज में जाइए आपको बहुत सारे पेड कोर्सेज मिलने वाले हैं आज रात को होली ऑफर के तहत में आप उसको यूज कर सकते हैं और कोई दिक्कत आती है आप उस दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं तो साथियों हूँ ये तो हमारा छोटा सा प्यारा सा सेशन अब आपके कॉमेंट्स का मैं वेट करूंगा आपके कॉमेंट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है उम्मीद करता हूँ आप मुझे कॉमेंट करने वाले हैं मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत राधे राधे